नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। हम आपको आज बताने जा रहे हैं जरबेरा प्लांट का आप केयरिंग दोस्तों कैसे करेंगे। जरबेरा प्लांट का दोस्तों ये जो गाछ है इसको करना क्या है, इसमें जो सूखे पत्ते हैं उनको काट देना है और इनके किनारे किनारे जो है बांस का एक काठी लेकर के उसको माटी को थोड़ा थोड़ा उसका देना है, हल्का हल्का कोड़ दीजिए। एक कैंची है, देखिए कैंची से कैसे हम काट रहे हैं पत्ता को, उस तरीके से सूखा है या थोड़ा बहुत जो हल्का मुरझा गया वो पत्ता को आप मिनिमम 15 दिन बाद इसको थोड़ा ध्यान रखना है, महीना में 2 बार इसको काट काट करके हटाना है। और मिट्टी को कोड़ करके दोस्तों इसमें देना क्या है खाद, आपको सरसों का खली जो है लगभग 100 ग्राम सरसों का खली लीजिए और 1 किलो पानी उसको भिजा दीजिए, 3 दिन के लिए भिजाइए। और चौथा दिन है क्या करना है, उसको 10 लीटर पानी में घोल करके इसको लिक्विड के तरह करके आपको देना है। आप जरबेरा के अलावा और भी गाछ में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, नेचुरली फर्टिलाइज़र है दोस्तों। जरबेरा के लिए जो सरसों खली है बहुत अच्छा काम करता है, हम उसको यूज करके देखें, पत्ता का भी रंग अच्छा रहता है, फूल भी बहुत अच्छा आता है। और दूसरा चीज़ है इसके ऊपर फंगीसाइड जो है आपको कम से कम सप्ताह में 1 बार देना होगा। आप साफ कंपनी हो या आपका और बहुत सारा कंपनी है जो आप इसको दे सकते हैं। और दूसरा बात, इसको जो है ड्रेनिंग सिस्टम सही होना चाहिए, पानी इसमें जम जाएगा तो गाछ आपका सड़ सकता है। बरसात के दिन में इसको थोड़ा ध्यान रखना है, पानी जम गया तो गमला को थोड़ा उल्टा दें। देखिए दोस्तों कितना अच्छा फूल आया है मेरा, और ये जो नया गाछ खरीद कर लाए हैं जो दिखाई दे रहा छोटा वाला गाछ मेरा, और ये वाला मेरा पहले का गाछ है दोस्तों। जरबेरा प्लांट आपको मिट्टी में दबना नहीं चाहिए, इसका जो माथा होता है वो जो हम दिखाएं अभी, तो उसका माथा मिट्टी में दबना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर रहना चाहिए। मिट्टी में उसका जो मेन माथा है वो दब जाएगा, माने गाछ आपका मर जाएगा, सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो इसका ये माने मेन पॉइंट है, एक पॉइंट को याद रखने से आपको जरबेरा प्लांट हमेशा ही सही रहेगा। और आपको फंगीसाइड के अलावा यदि इसके ऊपर यदि बाय चांस कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया तो उसको आपको अलग से दवा देना पड़ता है। पेस्टिसाइड दोस्तों, पेस्टिसाइड हमेशा तो नहीं दरकार पड़ता है इसके अंदर, किंतु बाय चांस कोई यदि कीड़ा मकोड़ा दिखाई दे तो पेस्टिसाइड महीना में 1 बार मारिए, वो आपका गाछ का कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा और सही रहेगा। जरबेरा प्लांट के अंदर और भी आप दे सकते हैं, जैसे डीएपी हुआ, डीएपी आप महीना में 1 बार इसके अंदर 5 दाना दीजिए। यदि बड़ा पॉट है तो आप 10 इंची गमला है तो 10 दाना महीना में 1 बार दीजिए। और सरसों खली दीजिए दोस्तों, सरसों खली मार्च तक ही दे सकते हैं आपको, नवंबर महीना से लेकर मार्च तक, गर्मी के दिन में नहीं देना है। जो फर्टिलाइज़र है उसी में आपको अप्रैल के बाद वही फर्टिलाइज़र में आपको चलेगा गाछ, और दूसरा अलग से फर्टिलाइज़र नहीं देना होगा। और दूसरा चीज़ है आप बोन मिल है, बोन मिल भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। बोन मिल आप 3 महीने बाद 3 महीने बाद थोड़ा सा बोन मिल इसके साइड में आप जैसे 1 चम्मच, यानी कि मान लीजिए गमला जो है इसमें आपको 10 ग्राम 15 ग्राम आप देंगे, बड़ा गमला यदि है तो उसमें आपको 30 ग्राम तक देना है, 12 इंच के पॉट में 30 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। 8 इंची है तो उसमें 15 ग्राम, 3 महीना बाद पड़ेगा। बहुत स्लो फर्टिलाइज़र है लेकिन काम करता है, आस्ते करके नेचुरली खाद है, उसको आप गर्मी के दिन में भी दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। किंतु सरसों का खली जो है मार्च तक, अप्रैल में नहीं देना होगा, उसके बाद तब तक उधर मई जून के बाद बरसात आएगा, उसके बाद कुछ खाद नहीं देना है आपको, गाछ को बचा कर रखना होगा। हो सके तो शेड एरिया में रखिए, या ध्यान रखना होगा कि बारिश में पानी इसमें जमे नहीं, जम गया तो गमला को थोड़ा उल्टा दें और ऊंचे जगह पर रखें जहाँ पानी जमे नहीं। दोस्तों जरबेरा प्लांट का ये देखिए फूल, देखिए फूल बहुत अच्छा ही आता है इसका। ये जो फूल है थोड़ा इसको धूप नहीं बर्दाश्त होता, इसको हम थोड़ा धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रख दिए थे इसलिए पूरा इसे झूल गया था, इसलिए हम उसको काट दिए। इसलिए दोस्तों गर्मी के टाइम में इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का जहाँ सनलाइट आ रहा है वही जगह में रखिए, जो आपको शाम वाला थोड़ा धूप लगे या सुबह वाला ही 1 घंटा लगे ये वाला, उसी टाइम वही हिसाब से हो जाएगा आपको। मैंने ठंडा के दिन में इसको, जो ठंडा का मौसम है जनवरी
दिसंबर, उसमें इसको 5 घंटा का धूप चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।